प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं में हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता संरक्षण क्या है। तो उपभोक्ता अर्थात वो व्यक्ति जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, संरक्षण अर्थात उपभोग से उसको संरक्षा प्राप्त हो, संरक्षण के अंतर्गत आता। तो पहले हमने जो देखा उपभोक्ता से आशय क्या है, उपभोक्ता जो है उस व्यक्ति से है जो आशय जो वस्तु का प्रयोग या उपभोग करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है। अर्थात उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तु का उपयोग करता है। हम और आप यदि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है और अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम उस वस्तु का उपयोग या प्रयोग करते हैं, और उपयोग या प्रयोग करने के बाद हम अपनी उस आवश्यकता को उस वस्तु से क्या करते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक व्यक्ति का क्रय की गई वस्तु से उपभोग करना, उसका उपयोग करना, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात जिसने यहाँ पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया और उसका उपभोग किया हो, यहाँ वह व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। जिसने बिक्री के लिए माल या वस्तु को क्रय किया है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की श्रेणी में वही आएगा जिसने कि उस वस्तु की जो कीमत चुकाई है वो स्वयं के उपभोग के लिए चुकाई है, ना कि वो वस्तु को खरीदकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए वस्तु को उसने खरीदा है। तो यहाँ जो भी भुगतान किया गया वस्तु को खरीदने के लिए, उसके भुगतान जो उसने स्व उपयोग के लिए किया है, तो वो यहाँ पर उपभोक्ता कहलाएगा। यहाँ जो है उपभोक्ता वह है जो वस्तु का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है, वो कहलाता है यहाँ पर उपभोक्ता। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उपभोक्ता संरक्षण जो है उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा से है। आज हम देखते हैं वर्तमान में कहीं ना कहीं हम जो है उत्पादनकर्ताओं के शोषण का शिकार है, जैसे कि भ्रामक विज्ञापन के द्वारा हमें जो है घटिया वस्तुएं वो पकड़ा देते हैं, फिर मिलावट की वस्तुएं, फिर कम माप तौल की वस्तुएं हमें खरीदने पर मजबूर करते हैं, घटिया वस्तुएं, फिर छल कपट, इनके द्वारा भी जो है हम कहीं ना कहीं उत्पादकों के शोषण के शिकार होते हैं। तो ये हो गया मिलावट, कम माप तौल, घटिया वस्तु, भ्रामक विज्ञापन, छल कपट आदि जो है ये इसके कहीं ना कहीं हम शिकार होते हैं। साथ ही विज्ञापन के द्वारा जो है बाजार में जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है उसे हम स्वीकारने के लिए बाध्य हैं। अतः यहाँ पर आवश्यक है कि व्यवसाय जो है अपने उपभोक्ताओं को सही सही वस्तुएं प्रदान कर सके। तो इसके लिए जो है व्यवसाय को क्या है, उपभोक्ताओं के प्रति क्या है, उत्तरदायी बनाया जाए, ये उत्तरदायी बनाया जाए ताकि वो उपभोक्ता के ताकि जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। अर्थात उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उचित कीमत पर वस्तु का प्राप्त होना, उचित मूल्य पर वस्तु का प्राप्त होना, वस्तु के चुनाव का अधिकार प्राप्त होना, ठीक इसी प्रकार से नुकसानदेह वस्तुओं से उसको सुरक्षा प्राप्त होना। तो इस प्रकार से जो उसके अधिकार है उपभोक्ता के, उनके जो हित हैं उस हित से उनको रक्षा उनकी हो, उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अब उपभोक्ता की जो उत्तरदायित्व है या जिम्मेदारी कौन कौन सी है, एक अच्छा उपभोक्ता कौन हो सकता है, एक अच्छा उपभोक्ता वो हो सकता है जो कि वस्तु को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो हर एक उपभोक्ता का ये दायित्व है, उसकी ये ड्यूटी है कि जो जिम्मेदारियां यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको उसको जानना जरूरी है। जैसे नंबर एक है अपने अधिकारों का उपयोग। प्रत्येक उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो है सुरक्षा का अधिकार, वस्तु को चुनाव करने का अधिकार, वस्तु के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, यदि वस्तु के संबंध में कोई शिकायत है तो उस शिकायत को ऊपर सुने जाने का अधिकार, व शिक्षा प्राप्त करने का, इसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो उसका उपयोग कर सके। तो हर एक उपभोक्ता को अपने जो उसके राइट्स हैं उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए कि जैसे वस्तु से सुरक्षा प्राप्त करने का उसको राइट है, वस्तु को अपनी आवश्यकता अनुसार जो है
चूज करने का उसको राइट है। फिर वस्तु के बारे में समस्त प्रकार की जानकारियां जो हैं उसको प्राप्त करने का राइट है। वस्तुओं से संबंधित यदि कोई शिकायत है तो उसको भोक्ता फोरम में उसकी शिकायत को या न्यायालय में उसकी शिकायत को सुने जाने का उसको अधिकार प्राप्त है। तो भोक्ता की जो पहली ड्यूटी है वो क्या है, अपने अधिकारों का उसको उपयोग करना चाहिए। दूसरी ड्यूटी क्या है, सावधानी रखना चाहिए। जो भी वस्तुएं वो खरीदता है तो उसके संबंध में जो सूचना है उसकी सत्यता परखने के बाद ही वस्तु को खरीदना चाहिए। यहाँ पर जो है विक्रेता के द्वारा कही गई बात पर से सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को जब हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम वस्तु के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में हम पहले उसको जांच लें। फिर शिकायत करना, यदि हमें वस्तु से किसी प्रकार की शिकायत है जो हमें मानक के अनुरूप प्राप्त नहीं हुई तो इसमें जो है हम अपनी धोखाधड़ी जो हमारे साथ हुई है उस पर शिकायत दर्ज करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि हम शिकायत नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, विक्रेता का हौसला बढ़ता है। तो सामान्य तौर पर हम यह क्या करते हैं, यदि हमें कोई खराब क्वालिटी की वस्तु प्राप्त होती है या अधिक कीमत पर वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब इतनी सी बात को लेकर हम कहाँ मामले को दर्ज कराएं। तो बहुत से बिंदुओं पर जो है हम यहाँ पर शांत हो जाते हैं और ऐसा करने पर जो है शिकायत ना होने पर विक्रेता जो है आगे भी अपनी मनमानी करता चला जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि यदि हमें वस्तु से या सेवा से किसी प्रकार की शिकायत है तो उस शिकायत को हमें निश्चित दर्ज कराना चाहिए। फिर गुणवत्ता के प्रति जागरूक, वस्तु की जो क्वालिटी है उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जो है इस गुणवत्ता के मानक हेतु विभिन्न मार्का जो है, जैसे ISI मार्का, फिर एग मार्क, फिर वूल मार्क, स्टार रेटिंग और इको मार्क आदि हैं जिन्हें वस्तु खरीदते समय में ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है, ये भारत सरकार द्वारा लागू किए गए वस्तु की क्वालिटी से संबंधित क्या है, मानक है, जो कि उस वस्तु के सुरक्षित होने के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमेशा जब भी हम कोई वस्तु खरीदें तो इस तरह के मार्क का देखकर ही हम वस्तु को खरीदें। फिर विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए। विज्ञापन में वस्तु के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, व्यापक प्रचार प्रसार करके बताया जाता है, जिससे क्या होते हैं हम प्रभावित होते हैं। तो उपभोक्ता जो है क्या है, विज्ञापनों से प्रभावित होता है, तो उसको चाहिए कि वो विज्ञापन से भ्रमित ना हो, वस्तु की क्वालिटी के तह तक जाए। फिर भुगतान की रसीद, अमूमन हम जो है जो भी सामग्री खरीदते हैं उसकी हम रसीद प्राप्त नहीं करना चाहते, या तो टैक्स की बचत करने के नाम पर या समय हमारे पास नहीं है रुकने का, तो इस कारण जो है हम अक्सर जो है भुगतान की रसीदें छोड़ देते हैं। या कभी व्यापारी बोलता है साहब अभी रसीद बुक बिल बुक खत्म हो गई, बिल बुक नहीं है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि वस्तु को खरीदने के साथ जो है भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि हमारे पास रसीद है तो ऐसी स्थिति में हम भविष्य में वस्तु के संबंध में शिकायत कर सकते हैं और वो वस्तु खरीदने का एक प्रकार की क्या है, रसीद हमारे पास प्रमाण होती है। तो हमारी ये भी ड्यूटी है कि भुगतान की रसीद हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। फिर कम आपूर्ति वाली वस्तु का प्रयोग कम करना चाहिए ताकि कालाबाजारी ना बढ़ सके। अब यहाँ पर क्या होता है, कई कई बार जो है मुनाफाखोरी कालाबाजारी के कारण जो है बाजार में वस्तुओं की क्या कर देते हैं, व्यापारी शॉर्टेज पैदा कर देते हैं और शॉर्टेज पैदा करके जो है उसकी पूर्ति में कमी करके जो है बाजार में वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे समय में हमें कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का प्रयोग कम कर देना चाहिए ताकि जिससे जो है कालाबाजारी या मुनाफाखोरी ना बढ़ सके। तो ये हमारी जो ड्यूटियाँ हैं उपभोक्ता के अधिकार, ये उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियाँ ये हैं। इसके बाद जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ये उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए, रक्षा के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। तो भारत सरकार ने जो है उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिसंबर 1986 में बनाया, जिसके तहत जो है 1991-93 2002 में संशोधन किए गए। ये जो है चूंकि विक्रयकर्ताओं व निर्माताओं की धोखाधड़ी से प्रभावित उपभोक्ताओं के दृष्टिगत उपभोक्ता के हितों का संरक्षण जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था,
इसी दृष्टि से जो है इस अधिनियम को बनाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है दिसंबर 1986 में बनाया गया, जिसमें समय समय पर 91, 93 व 2002 में संशोधन किए गए। ये चूंकि विक्रयकर्ता और निर्माताकर्ता जो हैं, इनकी छल कपट से, इनकी धोखाधड़ी से जो है उपभोक्ता जो है प्रभावित ना हो, साथ ही जो उनके राइट्स हैं उपभोक्ताओं के वो इनको प्राप्त हों, इस दृष्टि से यह अधिनियम बनाया गया। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि विभिन्न कानूनों में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद जो है उत्पादकों, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं का संगठित क्षेत्र जो है बाजार की जानकारी और कुटिल प्रयासों से उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल रहा है। इस कानून की इसलिए विशेष आवश्यकता पड़ी कि उत्पादक और व्यापारी और जो विभिन्न सेवा प्रदाता हैं, इनका जो संगठित क्षेत्र है, ये उपभोक्ताओं का समय समय पर शोषण करता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया। साथ ही चूंकि जनसंख्या वृद्धि व अन्य कारणों से अदालत में छोटे छोटे दावों को निपटाने में बहुत अधिक समय लगता है, अतः उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया। हर एक व्यक्ति जो है अपनी छोटी छोटी शिकायत को लेकर, यहाँ पर वस्तु से संबंधित शिकायत को लेकर जो है कोर्ट या न्यायालय में जाकर खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे दावों को निपटाने में कोर्ट में समय भी बहुत लगता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के दावों, आपत्तियों को निपटाने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसकी जो विशेषताएं हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं, तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, जिसमें राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो है इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और जिला स्तर पर जो है शिकायत निवारण एक तंत्र मशीनरी का गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में देश में जो है एक राष्ट्रीय आयोग है, 35 राज्य आयोग हैं और 631 जो है जिला फोरम काम कर रहे हैं। ये जो है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम, ये उपभोक्ताओं के से प्राप्त शिकायतों का क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। फिर क्षेत्र जो है, उपभोक्ता अपनी शिकायत किसी भी उत्पादक, व्यापारी, वस्तु या सेवा उपलब्ध करने वाले व्यक्ति या कंपनी या समिति के खिलाफ दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अधिनियम के अंतर्गत जो है कोई भी उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज करा सकता है। फिर इसमें शामिल मतें जो हैं, ये अधिनियम जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक या सहकारी हो। तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तु या सेवाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उन सभी में के खिलाफ जो है यहाँ पर अपना शिकायत को वो दर्ज कर सकता है। इसके बाद है संरक्षण, ये जो है उपभोक्ताओं को विशेष प्रकार की राहत व उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं को विशेष प्रकार की राहत, अर्थात उनका जो नुकसान हुआ है, जो उचित उनको क्षतिपूर्ति प्राप्त होना चाहिए, वो यहाँ पर राहत प्राप्त होती है। फिर उपभोक्ता संरक्षण परिषद अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा और सुरक्षा के लिए सलाहकार संस्था के रूप में केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। फिर उपभोक्ता अधिकारों का समूह, ये अधिनियम जो है उपभोक्ताओं को सुरक्षा, चयन, सूचना, प्रतिनिधित्व, उपचार, शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, अधिकारों का क्या है, समूह है उपभोक्ताओं के, जिसमें उपभोक्ता को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, चयन करने का अधिकार देता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है और भी उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर समय पर निपटारा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है शिकायतों का जो निपटारा है वो कम समय पर व सीमित अवधि में शीघ्रता के साथ किया जाता है।
तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है विवादों का निपटारा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। 15 मार्च 2003 से इस दिन को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में माना जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च 2003 को मनाया जाता है, जिसमें का उद्देश्य है कि हर एक उपभोक्ता जो है अपने अधिकार अपने दायित्वों से परिचित हो, और यदि उस व्यापारी या उद्योगपतियों के द्वारा किसी प्रकार का उसके साथ छल कपट किया जाता है तो इसकी शिकायत वो उपभोक्ता फोरम में कर सके। कुछ अभ्यास प्रश्न, उपभोक्ताओं को स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां समझाइए, फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्या आशय समझाइए, फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की उपभोक्ताओं के लिए क्या आवश्यकता है बताइए, फिर उपभोक्ता संरक्षण तंत्र का गठन किन स्तरों पर किया जाता है, जो भी आपको बताया था राष्ट्रीय आयोग राज्य स्तर पर और जिला फोरम, और पांचवा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं समझाइए।